जय हिंद दोस्तों, आप सबको फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों, कि अगर मोबाइल में बहुत ज़्यादा ईमेल आईडी है, तो ठीक है दोस्तों, 3-4 या बहुत ज़्यादा ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी को आप लोग डिलीट करना चाहते हैं तो बहुत ही यहाँ पे आसान तरीके से आप लोग यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जितना मन जो ईमेल आईडी को आप लोग ईमेल आईडी को डिलीट करना चाहते हो, वो ईमेल आईडी आप लोग यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सा दोस्तों, आप लोग क्या करना है, मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग क्या करना है, आप लोग जो जीमेल ऐप्स होता है, ठीक है दोस्तों, उसी जीमेल ऐप्स में आप लोग यहाँ पे चले जाना है। जैसे मैं अपना जीमेल ऐप्स यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर दिख पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों क्या करना है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे प्रोफाइल वाला ऑप्शन दिखा रहा होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे ही जीमेल ऐप्स को ओपन कीजिएगा, यहाँ पे आप लोग प्रोफाइल वाला ऑप्शन दिखा रहा होगा। ठीक है दोस्तों, स्क्रीन पर दिख पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, उसी प्रोफाइल वाला ऑप्शन पर आप लोग यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। ठीक है दोस्तों, जितना ईमेल आईडी होगा उतना ईमेल आईडी आप लोग यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों क्या करना है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे सबसे नीचे वाला मैनेज अकाउंट ऑन दिस डिवाइस, ठीक है दोस्तों, उस पर आप लोग यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आप लोग यहाँ पे कुछ खुल के इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो रिकॉर्डिंग वाला मेरा ऑप्शन था वो मेरा हट गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं आप लोग यहाँ पे इसी तरह से बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद दोस्तों क्या करना है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे दिखा रहा होगा गूगल वाला ठीक है दोस्तों ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, उसी गूगल वाला ऑप्शन पर आप लोग यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आप लोग यहाँ पे खुल के आ जाएगा कि जितना आप लोगों का जीमेल आईडी होगा, ठीक है दोस्तों, उतना ईमेल आईडी आप लोग यहाँ पे खुल के दिखा देगा कि कितना आप लोग के मोबाइल में ईमेल आईडी लॉगिन है और कितना नहीं है। ठीक है दोस्तों, वो यहाँ पे खुल के दिखा देगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग का मन चाहे जो आप लोग ईमेल आईडी को आप लोग डिलीट करना चाहते हैं, उस ईमेल आईडी को आप लोग यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सब सिंपल से दोस्तों क्या करना है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि मेरा यहाँ पे सबसे नीचे वाला है, ठीक है दोस्तों, ahanalam1430@gmail.com, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, जैसे ही क्लिक करूंगा, ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे 2 डॉट वाला लाइन यहाँ पे सबसे कोना में आप लोग यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे, उसी 2 डॉट वाला लाइन पर आप लोग यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आप लोग यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा रिमूव अकाउंट वाला ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, रिमूव अकाउंट वाला ऑप्शन पर आप लोग जैसे ही क्लिक कीजिएगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली आप लोग का जो ईमेल आईडी होगा, ठीक है दोस्तों, वो रिमूव अकाउंट हमेशा के लिए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से मैं इसको ईमेल आईडी को नहीं डिलीट करना चाहता हूँ, तो इसको मैं केवल आप लोग यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे ही रिमूव अकाउंट पर क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं बैक चला जाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग का अच्छा लगा हो, ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।